ये शर्ट पहन लिया मैंने, जोमेटो ये लिखा हुआ है, उल्टा दिख रहा होगा उधर से। ठीक है, तो आज मैं जोमेटो में काम करूंगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे कॉन्फिडेंट आए आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाऊं। ठीक है, तो आज ये वीडियो जोमेटो वाले के लिए है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में क्या हो जाता है यार, लाल बटन दबा देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वेटर वेटर भी पहन लेता हूँ, क्योंकि ठंड बहुत लगेगा, रात ही ठंडी लगेगा इधर। रात में काम कर रहा हूँ मैं, 6 बजे से 10 बजे तक काम करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। आपने पहले तो टी शर्ट था, फिर जोमेटो वाला ये देखिए रेड दिख रहा है। ठीक है, फिर जैकेट है, अभी एक और पहनता हूँ, फिर जाते हैं जोमेटो में, बताऊँगा पलंटी क्यों लगा आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए इस बंदे ने मुझे कमेंट किया था, तो इसी पर एक्सप्लेन करूँगा और ऑर्डर भी उठाऊँगा। तो पहले जैकेट पहनता हूँ। आया है जोमेटो से, तो ये जाना है DLF मॉल में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं DLF मॉल का अंदर का सीन दिखाता हूँ मैं कुछ कुछ। तो देखिए दोस्तों, ये DLF मॉल का गेट है, अंदर मेरा जोमेटो वाला बैग भी चेक होगा। तो ठीक है, चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, अगर जोमेटो में काम करेंगे तो ऐसे ऐसे मॉल में भी ऑर्डर आता है, काफ़ी खूबसूरत है, देख ही सकते हैं। तो ये DLF मॉल में आपका स्वागत है, और ये मैं DLF मॉल में आया हूँ जोमेटो से। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। ये DLF मॉल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब लोग यहाँ आते हैं, संडे को इतना ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ। और जो ID ब्लॉक होती है उसका रीज़न यही होता है, या तो आप टाइम से नहीं पहुँच रहे हैं, या फिर पलंटी क्यों लगता है उसमें ये रीज़न होता है, या तो आपकी बाइक ख़राब हो गई ज़्यादा लेट कर दी तब, या फिर फूड खा गए खाना खा गए तब होता है। ठीक है, ऑर्डर था कहाँ का था, DLF मॉल का, और ये जो ऑर्डर है ये है GIP ग्रेट इंडिया पैलेस, इसका पूरा नाम है। तो मैं पलंटी के ऊपर बात कर रहा था, तो जब तक कोई गलती नहीं करोगे जोमेटो वाला पलंटी लगाएगा ही नहीं भाई, उसको भी तो चलाना है अपनी कंपनी, फालतू में उसको गाली वाली देना है कुछ भी सही नहीं है। और हेल्पलाइन होता है, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं, मैं बताऊँगा भी डिस्प्ले पर। तो ये देखिए GIP मॉल, मैं तेरे को दूंगा एक नीरज, दो बंदे ये GIP मॉल है, और मैं MC डोनाल्ड से ऑर्डर लूँगा, फिर पहुँचाने जाऊँगा, पता नहीं कहाँ का है। तो चलिए चलते हैं, और दोस्तों कोई गलती नहीं करो जब तक कोई पलंटी लगेगा ही नहीं जोमेटो में। काफ़ी अच्छा है, काम कर सकते हैं यार, 4-5 घंटे में 600-700 रुपये कमा सकते हैं, तो जोमेटो सही है ना भाई, गाली देना सही नहीं कंपनी को, कंपनी बंद हो जाएगा तब क्या करेगा, कई लोगों का घर चलता है। GIP मॉल का ऑर्डर इस ओलंपिया में दे दिया हूँ, ये टावर में देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ये टावर। मैं आ गया हूँ, 6 बज के 6 बजे गया था, और 9:30 बजे ऑफलाइन हो गया हूँ। तो चलिए मैं रेट कार्ड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जोमेटो खोलता हूँ मैं, देख सकते हैं मेरा ऐप है ये, मैं 3.5 घंटा काम किया था आज, और उसमें देख सकते हैं 400 रुपये में कमाया हूँ 3 घंटा 12 मिनट में। ठीक है दोस्तों, और 4 ऑर्डर किया हूँ बस, हर एक ऑर्डर पर यही 100 रुपये कुछ है, 12-13 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो जोमेटो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, आपकी बाइक अगर प्लेटिना है तो इसमें ज़्यादा पता है, पेट्रोल भी बचेगा, तो देख सकते हैं टिप भी मुझे मिला है, बाकी ऑर्डर नहीं है, बाकी सोर्स का है, देख सकते हैं 90 रुपये 13 किलोमीटर का है, 13 किलोमीटर का 117 रुपये है, फिर
5 किलोमीटर का 100 रुपये, फिर 10 किलोमीटर का 92 रुपये। तो ये काफ़ी सही है, आप काम कर सकते हैं पार्ट टाइम इसमें और कोई दिक्कत नहीं इसमें कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जोमेटो में दोस्तों काम करें, काफ़ी अच्छा है ये। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि इसमें किस तरह से काम किया जाता है जोमेटो में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने लाइव ऑर्डर करके दिखाया है कि कैसे उठाना है, कैसे मतलब ड्रॉप करना है पिकअप। ठीक है, सेम ऐसा ही होगा। ठीक है दोस्तों, और ठंड बहुत ज़्यादा था इसलिए मैं आ गया हूँ। आप लोगों को करना है तो आप काट सकते हैं, लेकिन मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ, जितना दिल करे उतना। काफ़ी अच्छा है जोमेटो, कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगता है, और लगता है तो हेल्पलाइन है, वहाँ से बात कर सकते हैं। ज़्यादातर तो ऐसा होगा कि अगर फूड खा गए तब तो पेनल्टी लगेगा, या फिर टाइम से नहीं गए, बहुत टाइम लगा दिया तब पेनल्टी लगेगा, या फिर गाड़ी ख़राब हो गया और टाइम से नहीं गया तब भी। बस और कोई रीज़न नहीं है, ऐसे कोई भी पेनल्टी नहीं लगाता है, क्योंकि भाई राइडर तो चाहिए ना जोमेटो वाले को। अगर जोमेटो वाले के पास राइडर नहीं रहेगा तो फिर ऑनलाइन काम कैसे चलेगा जोमेटो वाले को। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, और दोस्तों हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ लाल बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और वीडियो में।